नमस्कार दोस्तों मैं अक्षय आप सभी का SSC पर स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास की डिस्कशन की बट उसके पहले एक बार मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दो जैसा कि आप देख रहे हैं आज मंथ की स्टार्टिंग है और हम बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार एस एस सी की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले क्लासेस के अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें कभी कोई क्लास आपकी मिस ना हुआ करें आपको बता दें बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की मेरी जो रेगुलर क्लास है वो तीन बजे चल रही है तो अगर आपको मेरे साथ रेगुलर मैथ्स पढ़नी टॉपिक वाइज अच्छे से तो आप तीन बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसएससी एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पर ठीक है सबसे पहले तो बच्चे आप एक काम करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इन सभी के नोट्स और पी के लिए आपको क्या करना है नीली पट्टी पे देखो अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप का लिंक लगा हुआ है दिख रहा है नीली पट्टी पे अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप का लिंक लगा हुआ है इस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विद्यार्थी अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लें जिससे आने वाले क्लासेस के नोट्स uh, हम आपको प्रोवाइड कर सकें और आज की भी पूरी पीडीएफ और नोट्स हम तभी दे पाएंगे जब आप इस नीली पट्टी पे लगे लिंक से ऐप डाउनलोड करो चलो आगे मूव करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो बता देते हैं वो सभी विद्यार्थी जो बिहार एस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारा स्पेशल लक्ष्य बैच है ये हमारा लक्ष्य बैच है जो कि मंडे से कल से स्टार्ट हो रहा है भाई देखो फ्राइड ये आपका 29 से स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन क्लास हुई फिर सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई सैटरडे छुट्टी पड़ गई आज संडे आज तो क्लास है नहीं इसमें मंडे कल से बच्चे आपकी कंप्लीट क्लास स्टार्ट होने वाली तो वाई वन सेवन जीरो कोड के साथ जाके इसको इनरोल करा लें जैसे इनरोल कराएंगे सेवेंटी ऑफ और डबल वेलिडिटी मिलेगी अगर आप आज की डेट पर इसमें इनरोल कराते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ फर्स्ट हैंड्रेड स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है तो इसका बेनिफिट उठा लो इसका बेनिफिट उठा लो बच्चे लीस्ट प्राइस कर दिया गया है ये प्राइस बढ़ जाएगा भी थोड़ी देर में तो इसका बेनिफिट ले लो ठीक है वाई वन सेवन जीरो कोड है अभी लीस्ट प्राइस चल रहा है फर्स्ट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स के लिए उसके बाद कहते है हैं ये प्राइस इंक्रीज कर जाएगा ठीक है चलिए एक बार कमेंट में लिखो यस yes, सर रेडी शुरुआत करते हैं तो आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट

यूनिट डिजिट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं हुँ। हुँ। चलो अब मजा आएगा पढ़ाने में थोड़ा सा स्पेस मिल गया अब मुझे मजा आएगा देखो अब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है क्या निकालना यूनिट डिजिट निकालना है यूनिट डिजिट तो भैया यूनिट डिजिट की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से देखो यहां पर पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा फाइव थ्री फोर सेवन टू एट नाइन टू फोर सेवन टू फोर यह आपको दिया गया आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है दूसरा क्वेश्चन है बच्चे मैंने आपसे क्या कहा नाइन टू नाइन माइनस सेवन टू फाइव थ्री फोर थ्री माइनस ठीक है माइनस कर देते हैं वन ट्वेंटी फोर बताओ डिजिट क्या है देखो, अगर आपको निकालना, आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो कैसे देखो पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझाता हूं बहुत ध्यान से देखो आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो देखो चार प्लस आठ कितना हो गया देखो चार और आठ कितना हो गया आठ चार बारह बारह और चार कितना हो गया सोलह सोलह और चार कितना हो गया बीस देखो आठ चार देखो बारह और दो सोलह और सोलह और चार कितना हो गया यानी तो यूनिट डिजिट बच्चे आपका क्या निकल कर आ गया गुरुजी यूनिट डिजिट जीरो निकल कर आ गया बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर किसी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं जैसे एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैंने आपसे क्या कहा फोर सिक्स टू फोर्ट थ्री ठीक है नाइन वन टू बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा ठीक है ठीक है या यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाते सेवन अब बताओ क्या आएगा यूनिट डिजिट ठीक है अब बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा मैंने क्या बोला अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस करो बच्चे

आपका यूनिट डिजिट आ गया। बोलो क्लियर कुछ पॉजिटिव है, कुछ है, कुछ है और बेटे कुछ निगेटिव अब कैसे करेंगे यूनिट डिजिट निकालना केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो नौ में से पांच गया कितना होगा नौ में से पांच गया कितना होगा गया चार चार और तीन मिलकर कितना हो गया सात देखो नौ में से पांच गया कितना चार और चार और तीन कितना में से चार घटा दो कितना सर देखो पहले नौ में से पांच गया कितना चार चार और तीन कितना में से चार घटा दो कितना यूनिट डिजिट तीन आएगा यूनिट डिजिट कितना तीन आएगा बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएं पहले बताओ इतना क्लियर क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब देखो या तो बीच में प्लस का साइन होगा या बीच में प्लस या तो क्वेश्चन पूरा प्लस में होगा या क्वेश्चन प्लस माइनस में होगा अगर इन दोनों में क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा फिर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा नोट करिए जैसे मैंने कहा नाइन टू फोर इंटू सेवन टू एट टू फोर थ्री थ्री सेवन थ्री बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा जैसे बच्चे यहां पर देखो अगला नाइन टू नाइन इंटू इंटू टू फोर फाइव सेवन टू सेवन टू फोर थ्री बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या आएगा देखो सीधी बात अगर यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस करो अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो कैसे देखो चार अट्ठे आठ चौक बत्तीस चार अट्ठे बत्तीस बत्तीस यानी दो बोलो क्लियर देखो आप अगर पूरा मल्टीप्लाई करते जाओगे तो एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन बना पाओगे नहीं पहले मल्टीप्लाई आठ चौक बत्तीस बत्तीस यानी दो बत्तीस यानी क्या हो गया बच्चे दो तीन गुणे कितना हो गया नौ तीन गुणे कितना हो गया नौ देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आठ चौको बत्तीस यानी दो ठीक है यूनिट डिजिट दो नौ, नौ, आ पैतालीस नौ पना पैतालीस यानी पांच नौ पना पैतालीस यानी पांच कैरी कितना हो गया कैरी को छोड़ दो नौ पना पैंतालीस यानी पांच केवल यूनिट डिजिट निकालना ठीक है सात गुणे तीन कितना होगा सात तरीक इक्कीस यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया एक सात तरीक इक्कीस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो पांच एक कम पांच पांच क्या है करेक्ट आंसर ये आ गया यूनिट डिजिट अब जरा ध्यान से देखो बाय चांस कभी ये कंडीशन आपके सामने आ जाए मैंने आपसे क्या कहा फाइव टू फोर इंटू बताओ यूनिट डिजिट क्या है। देखो बच्चों एक चीज समझना जब भी यूनिट डिजिट पर पांच और इवन नंबर एक साथ आता है ठीक है जब भी और इवन नंबर बेटे एक साथ आता है ऑलवेज यूनिट डिजिट जीरो बनता है मैंने क्या बोला अगर पांच और इवन नंबर बच्चे एक साथ आता है ऑलवेज यूनिट डिजिट जीरो बनेगा ठीक है देखो देखो म पांच पांच अट्ठे चालीस यानी जीरो जीरो का मल्टीप्लाई किसी का तो सब जीरो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा जीरो आएगा यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे जीरो आएगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा जीरो आएगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर किसी भी स्टेप पे कोई डाउट किसी भी स्टेप पे कोई डाउट अब बच्चों जरा ध्यान से देखो या तो क्वेश्चन बच्चे इस टाइप में आ जाएगा अगर इस टाइप में नहीं आएगा तो क्वेश्चन इस टाइप में आ जाएगा अगर इसमें भी क्वेश्चन नहीं आए तो अब कैसा क्वेश्चन आएगा आपको यूनिट डिजिट निकालना है देखो फाइंड यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यानी इकाई कैंक की बात कर रहा हूं मैं अभी बहुत डिटेल में मैं क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं सभी लोग अगर क्लास अच्छी, पहले बताओ जितना पढ़ाया उतना समझ में आया जितना पढ़ाया उतना समझ में आया अब मैं इसके आगे चलता हूं जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैंने दिया नाइन सेवन एट यहां पर जीरो की पावर कर दो सेवन फिफ्टी थ्री सेवन फिफ्टी थ्री पावर कर दी मैंने बोलो क्लियर सेवन फिफ्टी थ्री पावर मैंने कर दी अच्छा यूनिट डिजिट पर यहाँ पर क्या है जीरो अच्छा जीरो के प्लेस पर एक भी तो हो सकता है एक के प्लेस पर दो भी तो हो सकता है दो के प्लेस पर तीन भी तो हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है छ हो सकता है सात हो सकता है आठ हो सकता है और नौ हो सकता है यानी जीरो से लेकर नौ के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है बोलो यस या नो अगर बच्चे मैं जीरो से लेकर नौ के बीच के सभी नंबर्स आपको पढ़ा दूं मैंने क्या बोला अगर मैं जीरो से लेकर नौ के बीच के सभी नंबर्स आपको पढ़ा दूं तो क्या कोई नंबर बचा बोलो अगर मैं जीरो से लेकर नौ तक के सभी नंबर्स आपको पढ़ा दूं तो क्या बेटे कोई नंबर बचा एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करो अगर क्लास अच्छी लग रही है ठीक है नहीं ना अब देखो कैसे करते हैं देखो इसकी ट्रिक क्या है यहां पर आपको पढ़ने की सुविधाओं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सभी नंबर्स को जीरो से लेकर नौ तक के नंबर्स को तीन ग्रुप में बांट रखा है तो पहले ग्रुप में मैंने रखा है जीरो एक पांच और छ को जीरो एक पांच और छह का ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं जीरो एक पांच और छ बिल्कुल, बिल्कुल एक जैसे होते हैं जीरो एक पांच और छ बिल्कुल एक जैसे होते हैं कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं जीरो की पावर एक कितना होता है जीरो जीरो की पावर एक कितना होता है जीरो जीरो की पावर दो कितना होता है की पावर तीन कितना होता है की पावर कितना होता है यानी की कितनी भी पावर कर दो बेटे जीरो ही आएगा बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर तेज तो नहीं जा रहा हूं तेज तो नहीं जा रहा हूं संडे है थोड़ा सा स्पीड पकड़ो हा ठीक है अच्छा बच्चे एक की बात करता हूं आपको पता है एक की पावर एक कितना होता है एक की पावर दो कितना होता है एक एक की पावर तीन कितना है एक एक की पावर चार कितना है एक एक की कितनी पावर एक ही और मैं आपको बता दूं इस लक्ष्य बैच में पहले सौ बच्चे या दो सौ बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है उसके बाद ये बैच यही बैच फिर आपको हाई प्राइस में मिलेगा तो आज ही इसमें इनरोल करा लीजिएगा ठीक है एज इट इज अगर मैं बात करता हूं फाइव की पावर फाइव की पावर वन कितना होता है फाइव देखो जैसे आपने देखा जीरो कितनी पावर करो जीरो आ रहा है एक की कितनी पावर करो एक आएगा फाइव की पावर वन कितना फाइव फाइव की पावर टू कितना, कितना होता है ट्वेंटी फाइव फाइव की पावर थ्री कितना होता है की पावर फोर कितना होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव यानी आप देख रहे हैं फाइव की कितनी भी पावर कर दो ऑलवेज यूनिट डिजिट पर फाइव मिलेगा फाइव की कितनी पावर कर दो ऑलवेज यूनिट डिजिट पर फाइव मिलेगा ठीक सिक्स की बात करता हूं सिक्स की पावर वन कितना होता है सिक्स सिक्स की पावर टू कितना होता है थर्टी सिक्स सिक्स की पावर थ्री क्या होता है टू वन सिक्स सिक्स की पावर फोर कितना होता है ट्वेल्व नाइनटी सिक्स यानी आप देख रहे हैं सिक्स की आप कितनी भी पावर कर दें सिक्स की आप कितनी भी पावर कर दें ऑलवेज यूनिट डिजिट पर सिक्स मिलेगा सिक्स की बच्चे आप कितनी भी पावर कर दें ऑलवेज बेटे यूनिट डिजिट पर आपको सिक्स ही मिलने वाला है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर क्या इसमें कोई डाउट नहीं अब देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया था एग्जाम्पल आपका क्या था क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन आपको दिया गया था नाइन सेवन एट जीरो की पावर कितना था सेवन फिफ्टी थ्री यही तो दिया है अरे बोलो ठीक है बच्चों आज एक तारीख हो रही है मंथ की स्टार्टिंग है अभी भी सीरियस हो जाओ मेरे भाई ठीक है चलो अगर यूनिट डिजिट पर जीरो है कितनी पावर कर दो जीरो ही आएगा अगर जीरो की जगह एक लिखा होता एक की कितनी पावर कर दो एक ही आता यहां पर एक की जगह बेटे पांच लिखा होता पांच लिखा होता कितनी पावर कर दो पांच ही आता और यहां पर कुछ भी लिखा होता मान लो छे पांच की जगह छ लिखा होता तो छे की कितनी पावर कर दो छे ही आता समझ गए कितना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए चीजें कितनी आसान कर दी हैं बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर क्लियर किसी स्टेप पे कोई डाउट किसी भी स्टेप पे कोई डाउट बोलो मेरे भाई नहीं ना चलिए वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट अब देखो अगर आप इन नंबर्स के बारे में सीख गए ठीक है जीरो एक पांच और छ के बारे में सीख गए बोलो यस या नो कर लोगे कर लोगे बोलो यस या नो हाँ अब क्या है अब मैंने फोर और नाइन को एक जात रखा है ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ग्रुप टू में मैंने फोर और नाइन को रखा है ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं फोर और नाइन बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं कह दो सर इनमें क्या होता है देखो अब आप देखो फोर की पावर वन कितना होता है फोर फोर की पावर टू कितना होता है सिक्सटीन फोर की पावर थ्री कितना होता है सिक्सटी फोर फोर की पावर फोर कितना होता है फोर की पावर फोर कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स कुछ समझ में आया कुछ समझ में आया देखो जब भी पावर ऑड है एक पावर है तीन पावर है यूनिट डिजिट चार आता है और जब भी इवेंट पावर होती यूनिट डिजिट छ आता है और पावर ऑड और इवन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है पावर ऑड और इवन के अलावा बेटे और कुछ नहीं हो सकती बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार बेटे नाइन के साथ भी होता है नाइन के साथ होता है कैसे नाइन की पावर वन कितना होता नाइन नाइन की पावर टू कितना होता है एट्टी वन नाइन की पावर थ्री कितना होता है सेवन ट्वेंटी नाइन नाइन की पावर फोर कितना होता है सिक्स फाइव सिक्स वन लेकिन नौ नवा इक्यासी आप केवल एक लिखो आगे छोड़ दो क्या मतलब मुझे उससे लेकिन एक चीज देखो अब देखो यहां पर भी देखो जब भी नाइन की पावर ऑड है तो नाइन आ रहा है और जब भी नाइन की पावर इवन है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है एक आ रहा है नाइन की पावर ऑड है तो नाइन आ रहा है और नाइन की पावर इवन है तो वन आ रहा है ठीक है देखो यहां पे एक टेबल बना देता हूं फोर और नाइन के लिए यह टेबल याद कर लो आपका क्वेश्चन कोई गलत करा दे तो मुझसे कहना या तो पावर ऑड होगी या तो पावर इवन होगी फोर की पावर ऑड फोर नाइन की पावर ऑड नाइन फोर की पावर इवन सिक्स होता है नाइन की पावर इवन वन होता है अगर ये याद है तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं करा सकता अब क्वेश्चन पे आता देखो क्वेश्चन क्या था मान लो क्वेश्चन ये आपको दिया गया था नाइन एट फोर की पावर सेवन फिफ्टी थ्री और यहीं पर क्वेश्चन है नाइन एट फोर की पावर 754 दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं अब देखो सेम क्वेश्चन है बस पावर यहां पर 53 थ्री यहां पर 54 है आपको यूनिट डिजिट निकालना कैसे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट निकालना आपको पता है 753 क्या है? एक ऑड पावर है यूनिट डिजिट पे चार है और 753 बेटे क्या है? एक ऑड पावर है और मैंने आपको बताया जब भी चार की पावर ऑड होगी यूनिट डिजिट चार आएगा यही आपका आंसर आएगा ठीक है और चार की पावर सेवन फिफ्टी फोर है और चार की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा छह आएगा की पावर इवेन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आएगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर आपके एग्जाम का क्वेश्चन करा देता हूं ये लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ट्रिपल नाइन की पावर ट्रिपल नाइन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन है ट्रिपल नाइन की पावर ट्रिपल टू

हाँ हो रहा है, है, देखो। करना है नहीं नहीं ठीक है चलिए तो चलो तो बच्चों मैं बात कर रहा था आज तो सर आए थे आपके चलो देखो संडे को भी चैन नहीं होता हम लोगों को संडे को भी चैन नहीं होता हम लोगों को ठीक है आप लोग लिए मेहनत हो रही इतनी चलिए अब बात करते दोस्तों तो मैं फोर और नाइन को भी आपने कवर कर लिया बोलो फोर और नाइन को भी आपने कवर कर लिया यस या नो तो अब हमारे पास क्या बचा टू थ्री सेवन एट टू थ्री सेवन एट ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं ये देखो, ये देखो बिल्कुल एक जैसे होते हैं इनका बिहेवियर एक जैसा होता है टू थ्री सेवन एट रखा तो सर इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से देखो जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा अब देखो टू की पावर वन कितना होता है टू टू की पावर टू कितना होता है फोर टू की पावर थ्री कितना होता है एट टू की पावर फोर कितना होता 16. क्या इसमें अभी तक कुछ कॉमन मिला बोलो बच्चों क्या आपको अभी तक कुछ कॉमन मिला एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करें क्या अभी तक कुछ कॉमन मिला नहीं लेकिन अब देखो दो की पावर पांच जैसे निकालेंगे तो कितना होता बत्तीस देखो दो रिपीट कर गया दो की पावर छ निकाले कितना आएगा चौसठ देखो चार रिपीट कर गया दो की पावर सात निकालने कितना आएगा एक देखो आठ रिपीट कर गया दो की पावर आठ निकाले कितना आएगा 256 256 देखो छह रिपीट कर गया यानी ये हर चार के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं दो तो की पावर नौ निकालोगे तो दो की पावर नौ कितना होगा 512 फिर दो आ जाएगा दो की पावर दस होता है एक हजार की पावर ग्यारह होता है दो दो की पावर बारह होता है फोर जीरो नाइन सिक्स दो चार देखो दो चार आठ छः दो चार आठ छ चार आठ ये इसी क्रम में बच्चे रिपीट करेंगे ये बच्चे इसी क्रम में रिपीट करते हैं ये इसी क्रम में बच्चे रिपीट करेंगे ठीक उसी प्रकार तीन के साथ भी फॉलो करता है देखो तीन की पावर एक कितना होता है तीन तीन की पावर दो बेटे कितना होता है नौ तीन की पावर तीन बच्चे कितना होता है सत्ताईस ठीक है तीन की पावर चार कितना था इक्यासी हमें पता है संडे आपको पास बहुत सारे काम होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लो कुछ ऐसा पढ़ लो कि आपका सिलेक्शन हो ठीक है थोड़ा थोड़ा स... मैंने नहीं कहा था कि एक ही दिन में सब पढ़ना लेकिन धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहो तीन की पावर पांच कितना होता है कितना था थ्री फोर्टी देखो तीन रिपीट कर गया तीन की पावर छह कितना होता है सात देखो नौ रिपीट कर गया तीन की पावर सात निकालने के लिए आप इसको तीन से मल्टीप्लाई करो तो नौ त्रिक सत्ताइस यानी सात देखो सात रिपीट कर गया और तीन की पावर आठ निकालने के लिए आप इसको तीन सप्ताह इक्कीस यानी एक बोलो क्लियर की नहीं क्लियर ठीक इसी प्रकार सात के साथ फॉलो करेगा सेवन की पावर वन कितना होता सेवन सेवन की पावर टू कितना होता फोर्टी नाइन सेवन की पावर थ्री कितना होता है थ्री फोर्टी थ्री अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सेवन की पावर फोर कितना है क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता देखो सात रिपीट कर गया सात की पावर छ निकालने के लिए इसको सात आ गया सात की पावर सात निकालने के लिए सात की पावर छ को सात से मल्टी सात नवाई तिरसठ सात नवाई तिरसठ सात की पावर आठ निकालने के लिए इसको सात इक्कीस यानी एक देखो एक रिपीट कर गया बोलो क्लियर की निकले कितना आसान है चीजें सेम आठ के साथ फॉलो करता है आठ की पावर एक कितना होता है आठ आठ की पावर दो कितना होता है आठ की पावर दो कितना होता है चौसठ आठ की पावर तीन कितना होता है पांच सौ बारह आठ की पावर चार कितना होता है फोर जीरो नाइन चार हजार छियानवे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अभी तक तो कुछ ना हुआ लेकिन अब देखो आठ अभी तक कुछ रिपीट लेकिन आठ की पावर पांच निकालने के लिए इसको आठ से मल्टीप्लाई आठ छंग अड़तालीस आठ रिपीट कर गया आठ की पावर छ निकालने के लिए आठ अट्ठे चौसठ यानी चार रिपीट कर गया आठ की पावर सात निकालने के लिए इसको आठ से आठ चौको बत्तीस दो रिपीट कर गया आठ की पावर ठीक है आठ की पावर आठ निकालने के लिए इसको आठ दुनी सोलह देखो छह रिपीट कर गया बोलो क्लियर यानी ये हर चार के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं हर चार के बाद बच्चे ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो जब भी कभी इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे देखो यहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो करने का तरीका क्या होता है ये हर चार के बाद बच्चे अभी अभी मैं पीडीएफ दूंगा तो इसमें सब ये लिखा होगा जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें सब लिखा होगा तो करने का तरीका क्या होता है बच्चे जैसे मैंने आपसे क्या कहा फोर नाइन एट ठीक है पावर कर दिया एक सौ बाईस बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा तो देखो यूनिट डिजिट पर आठ है ना इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पावर कितनी एक 122 बाईस एक बाईस को पहले चार से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 122 को ठीक है एक सौ बाईस को जब मैं पांच से चार से डिवाइड करो कितना आएगा चार तेई बारह पूरा पूरा कट गया चार चार आप कितना आएगा दो रिमाइंडर कितना आएगा दो आएगा 122 को जब आप चार से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा दो आएगा अच्छा चार से ही क्यों रिपीट कर डिवाइड करते हैं चार से डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि ये हर चार के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं ठीक है तो आठ की पावर दो कर दो कितना आएगा चौसठ यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा चार आएगा समझ गए कोई भी नंबर हो आप बोलो मुझे मैंने कहा टू फोर सेवन की पावर आप कुछ भी बोलो मुझे मैंने कहा पावर है आप क्या करोगे देखो चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है चार का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो हम पूरी संख्या को चार से डिवाइड कर दें या लास्ट टू डिजिट को चार से डिवाइड करें तो भी बात है कि देखो वन चौथे वन थर्टी फोर को चार से डिवाइड करो चार कहीं बारह एक बच्चा चौदह हो गया चार तारह दो रिमाइंडर आ गया दो रिमाइंडर आ गया लेकिन अगर आप केवल लास्ट टू डिजिट चौतीस को चार से डिवाइड कर देते कितना था चार अट्ठे बत्तीस तो पावर टू कर दो कितना आएगा यानी नाएन बच्चे आपका यूनिट डिजिट है समझ गए समझ गए अच्छा कभी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा देखो टू फोर टू पावर कर दो कितनी दो सौ चालीस अब आपको पता है 240 को जब मैं चार से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आएगा 240 को जब चार से डिवाइड करोगे तो बेटे रिमाइंडर कितना जीरो आएगा 240 को चार से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आएगा और बेटे याद रखना रिमाइंडर जीरो क्यों आया क्योंकि पावर चार का मल्टीपल है

स्टार बना के पॉइंट लिखो कि जब भी पावर जीरो जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा हम चौथी पावर लगा लेते हैं जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा हम चौथी पावर लगा लेंगे जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा हम चौथी पावर लगा लेंगे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर बोलो क्लियर क्लियर कि नहीं किसी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं अब चलो क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको समझ गए क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को कवर कराते हैं ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बताइए अब समय की अपनी सीमा है मेरी बिल दूसरी क्लास लगी हुई चलो लेकिन जल्दी चल जल्दी करो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यूनिट डिजिट निकालना प्लस में दिया गया ना देखो यूनिट डिजिट निकालना केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो आठ छ चौदह चौदह और दो कितना हो गया देखो छह और आठ कितना हो गया आठ छ चौदह दो सोलह सोलह और पांच कितना होगा इक्कीस इक्कीस यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा एक आएगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर यूनिट डिजिट कितना आएगा एक आएगा क्लियर हो गया ठीक है समझ गए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जैसे ये आपको दिया गया आपको यूनिट डिजिट निकालना आप कैसे निकालोगे आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो ठीक है जैसे आठ में से पांच गया तो आठ में से पांच गया कितना जाएगा तीन आठ में से पांच गया कितना तीन तीन जो होगा वो चार से जुड़ गया तो चार और तीन सात सात में से पांच घटा दो कितना आएगा दो देखो आठ में से पांच गया कितना आएगा तीन तीन और चार कितना होगा सात सात में से पांच गया कितना दो दो बेटे आपका यूनिट डिजिट है दो बेटे आपका यूनिट डिजिट है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर क्लियर अरे बोलो थोड़ा सा स्पीड पकड़ो अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट पे ना तो परेशान मत हो आपको यूनिट डिजिट निकालना ना थोड़ा सा देखो मैंने आपको क्या सिखाया थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास आज मेरी पेड में भी लगी हुई है ठीक है तो नौ एक कम नौ नौ एक कम नौ यहां पर देखो नौ छाक चौवन नौ छाक चौवन यानी चार नौ एक कम नौ नौ छाक चौवन यानी चारो चौको छत्तीस या करेक्ट आंसर है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर क्लियर कि नहीं क्लियर आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस करें आपको यूनिट डिजिट निकालना आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं ठीक है ठीके? अब जरा ध्यान से देखो यहां पर इसका आंसर कैसे निकालोगे मैंने क्या बताया जो जैसे यूनिट डिजिट पर टू है तो पावर कितना एट्टी सिक्स एट्टी सिक्स को पहले चार से डिवाइड करो बताओ कितनी बार गया चार से डिवाइड करो कितनी बार गया चार दुनिया आठ पूरा पूरा कट गया चार एक कम चार रिमाइंडर कितना आएगा दो और जो भी रिमाइंडर आएगा हम यूनिट डिजिट पर लगा देंगे कितना चार फिफ्टी थ्री को बेटे चार से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा चार एक कम चार तेरह हो गया चार तीन बारह एक रिमाइंडर आ गया तीन की पावर एक कितना हो गया तीन बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर अब जरा ध्यान से देखो छे की कितनी भी पावर हो कितना आएगा छ छे की कितनी पावर हो कितना का कि तो ही बारा, और यानी यूनिट डिजिट कितना है कि दो आएगा बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर जो मैंने आपको सिखाया वही आपको अप्लाई करना है ठीक है आपको डिटेल में अगर मुझसे पढ़ना है ये सब चीजें तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है करके लाइएगा ठीक है आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं बिल्कुल बेसिक से लक्ष्य बैच में पढ़ा रहा हूं तो जल्दी से सभी लोग लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लें लक्ष्य बैच में बिल्कुल हर एक चीज बेसिक से पढ़ाई जाएगी तो वो सभी विद्यार्थी जो बिहार एस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग लक्ष्य बैच से जुड़ जाए से ज्वाइन करेंगे मैं आपको सिखा देता हूं आपको सिंपली क्या करना है जैसे यहां पर गए यहां पर जाके गूगल क्रोम ओपन करना गूगल क्रोम ओपन किया जैसे ही गूगल क्रोम ओपन किया यहां पर जाके सर्च किया अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम जैसे एंटर करोगे इस तरीके का बेटे प्रॉपर पेज ओपन होगा ठीक है यहां पर ऑल कोर्सेस पे आके एस एस सी पे आके सीधे देखो बिहार इंटर लेवल एग्जाम <coughs> डबल वैलिडिटी चल रही बेटे नौ सौ निन्यानवे रुपए इसकी कॉस्ट है इतना मत पे करो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाओ वाई वन सेवन जीरो कितना आएगा मात्र नौ सौ उन्नीस रुपए इतना भी मत पे करो ऐप पे जाओगे क्वाइन लगाओगे तो इसके प्राइसेस और कम हो जाएंगे जैसे ही ऐप पे जाके क्वाइन लगाओगे तो इसके प्राइस और कम हो जाएंगे ठीक है और ये महा ये जो बैच है ये बैच बच्चे आज 12 प्लस बारह चौबीस महीने की वैलिडिटी के साथ है 12 प्लस बारा 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दो सौ पचास प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं ठीक है 60 प्लस बच्चे ठीक है एक ये आपके लिए स्पेशल ई आपको दी गई है कहां से ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए आपको adder247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा लीजिएगा y170 गलत कूपन कोड मत लगाइएगा इस कूपन कोड के थ्रू ज्वाइन कीजिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए है तो इसका बेनिफिट उठा ले एंड गलत कूपन कोड मत लगाना आपका इनरोलमेंट मेरे पास होना चाहिए वाई वन सेवन जीरो कोड है आपको हर एक चीज की जिम्मेदारी मेरी रहेगी ठीक है चलिए बताइए क्लियर हो गया साथ ही साथ दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो ऑल एस एस एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहता है जिसमें आप जैसे सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजल का महापैक सी एच एस एल के लिए सी एच एस एल का महापैक सभी पे डबल वैलिडिटी है दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस का माँ पैक उस पर भी डबल वैलिडिटी है लेकिन कूपन कोड एक ही लगेगा वाई वन सेवन जीरो तो यहां पर आप एस एस सी महापैक ले लें इसके अंदर सारे महापैक इंक्लूड हैं उन्तीस सौ निन्यानवे रुपए इसकी कॉस्ट है वाई वन सेवन जीरो कोड लगा के ज्वाइन कर लें ₹ 2759 ऐप पे जाओगे क्वाइन लगाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगा तो सबसे बेस्ट है आप ऐसे सी महापैक्स से जुड़ जाएं ठीक है बट याद रखना यहां पर भी बच्चे कहां से ज्वाइन करेंगे मैंने आपको बता दिया adda247. com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके और कूपन कोड गलत मत लगाइए कूपन कोड लगाएगा y one seven zero एस एस सी महापैक में ऑल एस एस सी एग्जाम कवर है चाहे हो सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर दिल्ली पुलिस सब कवर कर दिया है ठीक है ठीक चलिए तो दोस्तों मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा जितने भी लोग दिल्ली पुलिस ये बिहार एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थी इस लक्ष्य बैच से जुड़ जाए कहां से ज्वाइन करेंगे मैंने आपको बता रखा है अटल ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से हर एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बस याद रखिएगा कूपन कोड बच्चे आपका लगेगा वाई वन सेवन जीरो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे आपको मिल सके ठीक है और वाई वन सेवन जीरो कोड लगा के आज अगर आप कोई भी बैच या महापैक लेंगे तो आपको सेवेंटी एट परसेंट तक ऑफ और डबल वैलिडिटी बच्चे आपको मिलने वाली है ठीक है तो चलिए मुलाकात करते हैं लक्ष्य बैच में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों पढ़ते रहो सेफ रो ठीक है चलिए गुड बाय जय हिंद